Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips. Students, today we are going to explain you 9th video of synthesis. And in this video, we will study synthesis of complex sentences. Earlier 8th videos, you studied how to make a single sentence by synthesis two or more than two sentences. And in this video, we will study how to make a complex sentence by giving two or more than two sentences. यानी दो या दो से अधिक दिए गए sentences को जोड़ करके complex sentence कैसे बनाते हैं? जैसा कि आपको पता है students कि हमारे synthesis की एक series चली हुई है और उस series का आज आपको 9th video में देखेंगे. पहली 8 video में आपने देखा है कि simple sentence की synthesis कैसे की जाती है. दो या दो से अधिक दिए गए sentence को जोड़ करके एक simple sentence कैसे बनाते हैं. आज आप देखेंगे कि दिए गए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके या सेंटेंस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं. अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सिंथेसिस को करने से पहले आपको ये पता होना आवश्यक है, जैसे आपने तब देखा था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आज हमें ये देखना पड़ेगा पहले कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. तो जब हमें पहले ये पता होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है, तभी तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे. तो पहले सबसे ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन प्लस सबोर्डिनेटिव क्लॉज इक्वल टू एक प्रिंसिपल क्लॉज एक सबोर्डिनेट क्लॉज से यदि सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन से जुड़ी होती है तो सेंटेंस को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कैसे कैसे डिफाइन करेंगे? ए सेंटेंस इन विच वन प्रिंसिपल क्लॉज इज जॉइन विद सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन एट लीस्ट वन और मोर देन वन सबोर्डिनेट क्लॉज नोन एज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम एक सबोर्डिनेट क्लॉज या एक से अधिक सबोर्डिनेट क्लॉज से सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ी हुई होती है उनको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. अब इसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद सबोर्डिनेट कंजक्शन, फिर सबोर्डिनेट क्लॉज. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी, इसको हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? पीसी. ये आपका सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और ये सबोर्डिनेट क्लॉज होगी, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं सबोर्डिनेट. अब यदि एक से अधिक है तो फिर सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा, फिर सबोर्डिनेट क्लॉज आ जाएगी, फिर सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाएगा, फिर सबोर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा. यानी प्रिंसिपल क्लॉज एक, सबोर्डिनेट क्लॉज कम से कम एक होनी चाहिए और एक से ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, हर बार सबोर्डिनेट. लेकिन ये ध्यान रहे कि कंजक्शन हर बार होगा. प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन प्लस सबोर्डिनेट क्लॉज फिर कंजक्शन फिर क्लॉज फिर कंजक्शन फिर क्लॉज. तो इस तरह के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है. यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज कम से कम एक अथवा अधिक सबोर्डिनेटिंग क्लॉज से सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं. अब स्टूडेंट्स, यहाँ तीन चीज हमारे सामने आई है, वो क्या? पहला तो पीसी प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, दूसरा सबोर्डिनेटिंग कंजक्शन और तीसरा क्या है? आपकी सबोर्डिनेट क्लॉज. तो हमारे पास दो क्लॉज आई है, एक कंजक्शन है, तो हमें ये भी पता करना पड़ेगा हमें ये भी करना पड़ेगा पता कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होती है, सबोर्डिनेट क्लॉज क्या होती है. अब हम सबसे पहले क्लॉज को ही देखते हैं. सबसे पहले हम क्लॉज को देखते हैं, क्लॉज को देखने के बाद हम फिर प्रिंसिपल क्लॉज और सबोर्डिनेट क्लॉज को देखते हैं. तो क्लोज को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? क्लोज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एट लीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब. यानी क्लोज हिंदी में कहते हैं उपवाक्य. यानी उपवाक्य किसी सेंटेंस का वह पार्ट है जिसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होती है. यानी कर्ता और क्रिया अवश्य होती है. और यहाँ ये भी है, वो सेंटेंस का पार्ट होता है और अलग हटके, यानी सेंटेंस से अलग हट करके, सेपरेट होकर के, फ्री होकर के
वो अपने आप में सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी। ये डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड इस पर करेगा कि वो किस तरह की क्लोज है। क्लियर हो गया? तो क्लोज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एट लीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मे बी कंप्लीट सेंटेंस हैविंग कंप्लीट सेंस आफ्टर फ्री ऑफ द सेंटेंस आफ्टर सेपरेट ऑफ द सेंटेंस और मे नॉट बी। यानी सेंटेंस से अलग होने के बाद ये फ्री सेंटेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका भाव पूर्ण हो भी सकता है और इसका भाव अधूरा भी रह सकता है। ये डिपेंड किस पर करता है, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की क्लोज है। तो आई थिंक आपकी समझ आ गया होगा। क्लोज इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेनिंग एट लीस्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब। इट मे बी कंप्लीट सेंटेंस और मे नॉट बी। अब ये जब क्लोज को देखें तो ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज, हिंदी में कहते हैं मुख्य उपवाद और सबोर्डिनेट क्लोज, हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाद और मुख्य भाव होता है, प्रधान पार्ट होता है, प्रधान भाव होता है, मुख्य भाव होता है, मुख्य उपवाक्य होता है और वो अपना अर्थ पूर्णता अपने आप स्पष्ट कर लेता है, अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं करता। इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। जो दूसरा सबोर्डिनेट क्लोज, देखिए सबोर्डिनेट क्लोज को देखें तो सबोर्डिनेट क्लोज क्या होता है। सबोर्डिनेट क्लोज इज द पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Subordinate clause is the part of a complex sentence which cannot clarify its meaning itself. It depends on principal clause for its meaning. यानी subordinate clause आश्रित उपवाक्य, वह उपवाक्य होता है किसी complex sentence का, वह भाग होता है जो अपना अर्थ अपने आप से स्पष्ट नहीं कर पाता, बल्कि अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए जो प्रिंसिपल क्लोज होती है, जो मुख्य उपवाक्य होता है, उस पर निर्भर करता है। इट मीन्स सबोर्डिनेट क्लोज कैन नॉट एक्सप्रेस इन इट्स मीनिंग इटसेल्फ। सबोर्डिनेट क्लोज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लोज फॉर इट्स मीनिंग एंड दिस इज वाई द मीनिंग ऑफ दिस हिंदी वर्जन ऑफ दिस क्लोज इज आश्रित उपवाक्य। आश्रित मीन्स डिपेंड करती है किस पर, प्रिंसिपल क्लोज पर। चूंकि अपनी मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है, इसलिए आश्रित उपवाक्य कहा है। तो सबोर्डिनेट क्लोज अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकती, सबोर्डिनेट क्लोज अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करती है। और यहां तक आपने देखा स्टूडेंट्स क्या, कि यहां तक यदि आप देखें क्या है आपका, यह आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सॉरी तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है प्रिंसिपल क्लोज तो सबोर्डिनेट क्लोज मिल करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो उसमें एक सबोर्डिनेट क्लोज कम से कम होती है, एक प्रिंसिपल क्लोज होती है। सबोर्डिनेट क्लोज अपना आप क्लियर नहीं कर पाती और सबोर्डिनेट क्लोज अपने अर्थ के लिए, अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है इस पर, प्रिंसिपल क्लोज पर। जब वो सेंटेंस में जुड़ी होती है तो उसका मीनिंग क्लियर होता है, सेंटेंस से सेपरेट होती है उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह की क्लोज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं। अब
प्रिंसिपल क्लोज और सबोर्डिनेट क्लोज सबोर्डिनेट की कंजक्शन से जुड़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। और यदि हम सबोर्डिनेट क्लोज को देखें तो सबोर्डिनेट क्लोज की कितने तरह की होती है स्टूडेंट्स? तीन तरह की होती है। देखें कौन कौन सी। नंबर फर्स्ट नाउन सबोर्डिनेट, एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज, एंड थर्ड एडवर्ब सबोर्डिनेट क्लोज। क्या सबोर्डिनेट क्लोज फिर तीन प्रकार की होगी? नंबर फर्स्ट नाउन सबोर्डिनेट क्लोज, नंबर सेकंड एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज, नंबर थर्ड एडवर्ब सबोर्डिनेट क्लोज। अब यदि हम पहले को देखें क्या कि नाउन सबोर्डिनेट क्लोज क्या होती है? नाउन सबोर्डिनेट क्लोज द सबोर्डिनेट क्लोज विच वर्क एज ए नाउन आफ्टर यूजिंग इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी जो सबोर्डिनेट क्लोज किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होकर के प्रयुक्त होकर के नाउन का कार्य करती है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन सबोर्डिनेट क्लोज। अब देखिए जैसे व्हाट ही सेड इज, अब देखिए यहां दिस इज सबोर्डिनेट क्लोज एंड दिस इज प्रिंसिपल। व्हाट ही सेड इज ट्रू। अब देखिए क्या कहेंगे, जो कुछ उसने कहा देखिए भाटी सेम ने क्या है ये सबोर्डिनेट क्लोज और इसको हम क्या कहेंगे ये नाउन क्लोज। और नाउन क्लोज जो है क्योंकि ये सेंटेंस में वर्क्स एज सब्जेक्ट, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। और सब्जेक्ट कौन हो सकता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट का कार्य कौन कर सकता है कि सेंटेंस में? नाउन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे ये नाउन सबोर्डिनेट क्लोज है क्योंकि ये सेंटेंस में नाउन की तरह से प्रयुक्त हो रही है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है और नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का कार्य कर रही है। जो दूसरा हम देखें, यदि हम दूसरा देखें तो दूसरी क्लोज जो है वो क्या है? वो है एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज। तो एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज क्या होती है? वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव क्लोज जो होती है किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होकर के एडजेक्टिव का कार्य करती है। एडजेक्टिव का कार्य करती है मींस द एंटायर क्लोज या द कंप्लीट सबोर्डिनेट क्लोज क्लैरिफाई मॉडिफाई ए नाउन और प्रोनाउन, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करती है। यानी पूरी क्लोज एडजेक्टिव का कार्य करती है अर्थात क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करती है। एक एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, जैसे This is the book which I bought last week. अब देखिए ये principal clause और ये adjective subordinate। अब देखिए ये विचाई बुक लास्ट में जो मैंने गत सप्ताह खरीदी किसको मॉडिफाई कर रही है? बुक को। यानी ये पूरी क्लोज किसकी विशेषता प्रकट कर रही है? बुक की। विचाई बुक लास्ट में जिसको मैंने गत सप्ताह खरीदा किसकी विशेषता है? बुक की। यानी ये पूरी क्लोज इस बुक के लिए एडजेक्टिव का कार्य कर रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज कहते हैं। जो थर्ड एस्पेक्ट वो क्या है? वो है एडवर्ब क्लोज। और जो एडवर्ब क्लोज होती है वो क्या? एडवर्ब क्लोज वर्क्स एज एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब सबोर्डिनेट क्लोज
किसी सेंटेंस में, किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होकर के प्रयुक्त होकर के एडवर्ब का कार्य करती है। एडवर्ब का कार्य करती है का मतलब या तो किसी एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करती है या किसी वर्ब की विशेषता प्रकट करती है या किसी एडवर्ब की विशेषता प्रकट करती है। क्यों? क्योंकि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब इज द वर्ड विच इज मॉडिफाइड क्वालिफाई एन एडजेक्टिव ए वर्ब और एन एडवर्ब। यानी एडवर्ब वह भाग होता है, वह वर्ड होता है, वह पार्ट होता है किसी सेंटेंस का जो किसी वर्ब की विशेषता प्रकट करता है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करता है या एडवर्ब की विशेषता प्रकट करता है। तो वो एडवर्ब क्या करता है? अब देखिए, जैसे हम मान लीजिए ही इज एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इन। अब देखिए ये क्या है? ये क्या है? सबोर्डिनेट क्लोज एडवर्ब। एडवर्ब क्यों? क्योंकि ये क्या प्रकट कर दिए? रीजन प्रकट कर दिए, यानी इस कार्य के होने या न होने का कारण। वाई इज एब्सेंट, इज एब्सेंट, इज एब्सेंट का कारण क्या है ये बता दिए। तो इस वर्ब की विशेषता प्रकट कर दिए, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लोज। तो एडवर्ब क्लोज क्या होती है? सबोर्डिनेट एडवर्ब क्लोज होती है जो किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से प्रयुक्त होकर के एडवर्ब का कार्य करती है, एडजेक्टिव की विशेषता प्रकट करती है, एडवर्ब की विशेषता प्रकट करती है या वर्ब की विशेषता प्रकट करती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपकी जो सबोर्डिनेट क्लोज है वो तीन तरह की होती है, एडवर्ब क्लोज, नाउन सबोर्डिनेट क्लोज, एडजेक्टिव सबोर्डिनेट क्लोज और एडवर्ब सबोर्डिनेट। आपकी जो तीसरे प्रकार की क्लोज है वो क्या होती है? वो होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट क्लोज को मैं लास्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा जब मैं कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो अभी हमने जो तीन देखी है तो हम देखेंगे कि जो सिंथेसिस ऑफ ए सिंपल सेंटेंस इज टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, ये तीन ही पार्ट में आने वाली वीडियो में होगा। एक वीडियो में आपका नाउन क्लोज क्लियर होगा, दूसरे वीडियो में आपका एडजेक्टिव क्लोज क्लियर होगा, तीसरे में आपका एडवर्ब क्लोज। यानी यहाँ मैंने केवल आपको क्या बताया इस वीडियो में? केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बेसिक्स बताए हैं। सिंथेसिस करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लोज कैसे यूज करेंगे, एडजेक्टिव कैसे करेंगे, एडवर्ब कैसे करेंगे, वाले वाले तीन वीडियोज में आप देखेंगे। इस वीडियो में आपकी बेसिक्स थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपका क्लियर हुआ होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, क्लोज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है और सबोर्डिनेट क्लोज क्या होती है। और सबोर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार की होती है? जो आपने देखा है इसमें आया था वर्ड सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजंक्शन which connects principal clause with a subordinate clause। यानी ऐसा कंजंक्शन जो principal clause के साथ subordinate clause या subordinate clause के साथ principal clause को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? subordinate conjunction कहते हैं। यानी principal clause और इसको जोड़ता है subordinate clause। तो जो कंजंक्शन principal clause और subordinate clause को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? subordinate conjunction कहते हैं। तो सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन आप ये कह लीजिए, क्योंकि सबोर्डिनेट क्लोज किस में यूज होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो ये कह सकते हैं सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। तो सबोर्डिनेटिव कंजंक्शन वो होता है जो प्रिंसिपल क्लोज और सबोर्डिनेट क्लोज को जोड़ता है। तो आई थिंक आपके समझ में ये बेसिक्स इसके आ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखें नाउन क्लोज का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको कुछ समझ नहीं आया मैसेज करके मुझे छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
प्रेस आइकॉन को यानी जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और स्टूडेंट्स, वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, अच्छी लगे तो, और मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।